हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम किचन में क्या कर रहा हूँ, तो किचन में ये व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ है मेरी ये हांडी। फाइनली आज इसका मुहूर्त निकल गया। अगर पहले के आपने व्लॉग्स देखे होंगे, जिसने भी देखे होंगे उनको तो पता होगा कि ये हांडी का मेरा मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा था। बड़ी बारी मैंने घर पर सबको बोला कि यार लेकर आए हैं, कुछ बनाओ इसके अंदर। लेकिन अब ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है यार, गर्मी इतनी है, किसी के अंदर इतने पेशेंस हैं नहीं कि किचन में इतनी देर खड़े होके कुछ बनाए। बना देते हैं वो ही बहुत बड़ी बात है, और पर हांडी के अंदर बनाना ना टास्क हो जाता है जी, क्योंकि कुकिंग करने में ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और गैस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं ही ट्राई करता हूँ, मुहूर्त निकालते हैं इसका। तो मैं अब बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर हांडी चिकन, तो आपके साथ सबके साथ मैं रेसिपी शेयर करता हूँ, ठीक है? बनाते हैं, फिर खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो जी ये मैं लेकर आया हूँ 1 kg चिकन है ये, इसको वॉश करके मैंने पहले रख दिया था। ये सारे खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग। हरी इलायची मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए अभी मैं वो यूज़ कर नहीं रहा। और ये है जी कसूरी मेथी पाउडर, ठीक है, इसको क्रश करके मैंने रखा हुआ है। ये 100 ग्राम के आसपास दही है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये सबसे मेन है जी चिकन मटन मसाला, ये नया आया है, पहले सिर्फ मटन मसाला आता था, तो ये जो आया है अभी ये चिकन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और मटन के अंदर भी है, कायनात का ये भी। और ये 4 प्याज लिए हैं। अब इसको मैंने सेपरेट करके क्यों रखा हुआ है ऐसे, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि इसका रीज़न क्या। तो ये कसूरी मेथी मैंने जो क्रश करके रखी थी, इसको ये मैंने चिकन में अभी पूरा मिक्स डाल दूंगा, ठीक है। और ये खड़े मसाले अगर आप चाहो तो ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हो मैरिनेट के टाइम पे, पर आज मैं ये नहीं डाल रहा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता। तो ये दही के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, और 1.5 चम्मच मैंने चिकन मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, और 1 चम्मच नमक। अभी सारा मसाले एक बारी में इकट्ठे नहीं डालने, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं चिकन भी डालूंगा कढ़ाई में कुक करने के लिए, तो उसमें भी हमने मसाले डालने ही हैं, थोड़े बहुत उसमें ही मसाले डालने हैं टेस्ट के हिसाब से, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है अभी। और इसको अच्छे से मिक्स करो मसाले को, ठीक है, मिक्स करके इसको अब ये मैरिनेशन के लिए इसमें मैंने ये डाल देना, ठीक। तो अभी मैंने ये दही डाला है सारा इसके अंदर, आपको दिखाया मैंने मसाले वगैरह सारे, पर मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ के मसाले जो भी आपने नमक मिर्च वगैरह डालना है कर्ड में मैरिनेशन के टाइम पे थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जब प्याज वगैरह सारा भुनेंगे, मसाला भुनेंगे, उसमें भी डालना पड़ेगा, तो तब आप तो टेस्ट कर सकते हो, इसके अंदर तो आपको पता नहीं चलना। तो अभी मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चिकन बनाने का देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कि आप एक एक करके मसाले डालो, अलग अलग उसको भुनो, प्याज डालो, ये डालो, वो डालो, ये जो रास्ता है ना ये सबसे इजी मेरे को लगा है। अब देसी घी भी यूज़ करना होगा आपने, ठीक है, तो देसी घी भी मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत डालूंगा अभी, मतलब 2 या 3 चम्मच आप मैरिनेशन के अंदर देसी घी डाल दो, ठीक है। मैं अभी 3 चम्मच डाल रहा हूँ, 3 चम्मच देसी घी डाल के इसको आराम से मिक्स करो, अच्छे से मैरिनेट करो, और 15 या 20 मिनट के लिए रख दो फ्रिज में। अब उसके बाद के स्टेप अभी बता। तो ये स्टेप है ना, ये बड़ा अजीब सा स्टेप है और सबसे ज़रूरी भी है मैरिनेशन के लिए, तो इसके लिए पहले अपनी घड़ी उतार के रख लो जी, गंदी ना हो जाए। तो देखो देसी तरीका है जी, मिक्स तो हाथ से ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका है नहीं। अच्छे से इसको मिक्स करो, ठीक है, मिक्स करके दोबारा आपको बता रहा हूँ 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, आप वैसे ओवरनाइट भी रख सकते हो, ऐसी कोई उसके अंदर बात नहीं है, ओवरनाइट भी आप रख सकते हो कि अगर आपने एक दिन बाद बनाना हो तो। इसको फ्रिज में रखो। तो अभी कढ़ाई में अब तेल डाल दी है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने प्याज जो है वो डीप फ्राई करने हैं। तो आपके पास जो भी है, चाहे रिफाइन हो, चाहे फिर सरसों का तेल हो, अगर सरसों का तेल होगा तो उसमें पहले क्या करना है, सरसों के तेल की ना स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो पहले आपने तेल को जलाना है। जलाने का मतलब 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए उसको गैस पे रख दो आप, तेल जल जाएगा, जैसे ही धुआं आ गया तो समझो उसकी स्मेल ख़त्म, ठीक है। अब मैं स्टेप बताता हूँ आपको, तो पहले कि तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ, आपने इतना सा सिर्फ प्याज लेना है, इसमें आप डाल दो, ये बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तेल आपका रेडी है कुकिंग करने के लिए,
और जो मैंने ये प्याज सेपरेट करके क्यों रखे हुए हैं, इसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे आधे प्याज डीप फ्राई करने थे और आधे प्याजों का मैंने पेस्ट बनाना। यार अभी ना एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से। हुआ क्या, प्याज मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने वो सेपरेट करके क्यों रखे हुए थे, तो मेरे से गलती से निकल गया मुँह से कि आधे प्याज को मैंने डीप फ्राई करना है, आधे प्याजों का मैंने पेस्ट बनाना है। पर नहीं, क्योंकि यार गर्मी इतनी है ना और बड़ी हालत ख़राब हो जाती है यार किचन के अंदर, इसलिए मुंह से कुछ कभी ना कभी निकल ही जाता है। तो वो प्याज का क्या करना है कि आधे प्याजों को करना है डीप फ्राई, उसी का ही पेस्ट बनाना है डीप फ्राई वाले प्याज का, और जो आधे प्याज बाकी के बच जाएंगे उसका हमने मसाला भूनना है। मैंने ये कह रहा था लेकिन मेरे गलती हो गई। बस जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा लाइट ब्राउन जब होंगे, तो लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसको निकाल के किसी न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर के ऊपर रख देना, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। और जैसे ही ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, गरम गरम में नहीं, जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो क्रिस्पीनेस आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपने इसको मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बनाना, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखो लाइट ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं, बस और 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाना है इसने। फिर इसको निकाल लो किसी टिश्यू पेपर के ऊपर या किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हो गए हैं गोल्डन ब्राउन या लाइट ब्राउन कह लो आप, ठीक है। तो अभी ये गर्म है, ये ऐसे क्रिस्पी हो जाएंगे अनियन सारे ना, ठीक है। थोड़ी देर इसको आप रख दो, चाहे पंखे के नीचे रख दो, चाहे वैसे ही रख दो, ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही ठंडे होंगे तब इसका पेस्ट बनाना हमने, ठीक। और जिस कढ़ाई के अंदर हमने इसको डीप फ्राई किया था उसमें से तेल हमने थोड़ा सा निकाल दिया है। तेल निकाल के हमने क्या करना है, 2 चम्मच हमने इसके अंदर देसी घी डालना है। 2 या 3 चम्मच डाल लो देसी घी, वैसे कोई नुकसान तो करता नहीं यार। मैं 3 डाल देता हूँ, चलो 2 डालने थे 3 डाल दो। और ये जो खड़े मसाले थे उसके बाद इसी तेल के अंदर इनको ऐड कर। तो ये रेडी हो गया। जब ये तेल छोड़ जाए ना ग्रेवी, तो इसका मतलब मसाला जो है आपका वो रेडी हो चुका है। तो ये देखो ये तेल सेपरेट हो गया इसमें से, तो ये रेडी है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हांडी में। ये जी मसाला कर दिया ट्रांसफ़र हांडी में, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, अलग ही फील लग रही है। तो बाकी इसके बाद फिर हमने क्या करना है, जो मैरिनेट किया हुआ है चिकन हमने, ठीक है, ये अब हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र करना। तो आराम से हांडी को ना बड़ा प्यार प्यार से चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मिट्टी है, डेलिकेट चीज़ है, ढंग से इसको चलाना। मैं भी देखो यार पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा इसका। बस इसको अब अच्छे से हिलाते हो, इसको अच्छे से हिलाओ, ठीक है, मिक्स कर दो और कवर करके इसको रख दो। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसको चेक जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि चिकन है ना, मटन होता तो थोड़ा सा टाइम लगता है, चिकन को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, चिकन जल्दी गल जाएगा। तो बस 5-10 मिनट बाद आके आपने कड़छी जरूर मारनी है इसमें एक बारी, ठीक। और 10 मिनट बाद का क्या स्टेप है वो मैं आपको 10 मिनट बाद ही बताऊँगा। इसमें हमने जो मैरिनेट किया था ना, इसमें मसाला देखो भाई, मसाला ये बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बड़ा कीमती मसाला है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करो, ठीक है, और अपने हांडी के अंदर ही डाल दो। उसमें आपकी मर्जी है, आपने जितना भी पानी डालना है अपने हिसाब से, आपको ग्रेवी थिक चाहिए या ज़्यादा पतली चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डालते रहो, बस इसमें ऐड कर दो, ठीक। पहले भी पानी डाला ही हुआ था हमने, जब हम मसाला पका रहे थे उस टाइम पे भी हमने पानी डाला था। अपने हिसाब से आपने ऐड करना है पानी, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। इसको कवर करके आप रख दो और 10 मिनट बाद आके इसको हम चेक करेंगे दोबारा से। दस मिनट हो गए हैं, तो अब इसको चेक कर रहे हैं हम, थोड़ा सा हिलाएंगे बस इसे, मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है। और मिक्स करने के बाद ना फिर हमने क्या करना है, ये जो अनियन पेस्ट बनाया था इसको अब हमने ऐड कर देना।
ये अनियन पेस्ट हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद ये है जी कोकोनट पाउडर, ये ऑप्शनल है, मेरे को पसंद है पर्सनली इसलिए मैं डालता हूँ। इससे क्या है कि एक ना टेस्ट थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, प्लस जो ग्रेवी है वो ना ज़्यादा पतली रहती है ना ज़्यादा थिक रहती है। तो ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना, सिर्फ एक चम्मच, ज़्यादा नहीं करना, ठीक। और सबसे मेन चीज़ फ्लेवर के लिए केवड़ा, ये बहुत कम डालना है, आधे से भी आधा ढक्कन, ज़्यादा डल गया, ये देखो इतना सा डालना है बस। ये इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और ढक के रख देंगे। पक गया जी, खुशबू आ रही है मस्त, तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आई विश कि मैं आपको भी दिखा सकता, लेकिन ये नहीं कि मैंने बनाया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन नो डाउट मैंने पहली बार हांडी में ट्राई करा है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। और जो ये शक्ल आई है ना, शक्ल और रंगत कहते हैं जो भी है, ओके रिपोर्ट। धनिया डाल दो और थोड़ा सा इसके अंदर अदरक टेस्ट के लिए डालना सिर्फ, ये रहा, बस मिक्स कर दो। चिकन तो गल चुका है अपना, फिर इसको खाएंगे आराम से। तो मैंने पहले थोड़ा सा अलग करके रख दिया था, ये देखो पहले आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर गला है, प्रॉपर मतलब इतना बढ़िया है। तो मैंने कुकर वगैरह के अंदर बनाया, कढ़ाई में भी बनाया, उसमें भी नहीं दिखा जितना इसके अंदर बढ़िया बना। टेस्ट करते हैं, यार नमक वगैरह भी सही डला बिल्कुल, यार क्या बात है, हैं प्रीतिक पति तेरा मतलब कुक बन गया यार बढ़िया बना जी। तो फिर बाकी सबको भी खिलाते हैं और टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं बाकी सबसे रिव्यू लेते हैं। यार तू देख रही है तेरे पति ने इतने प्यार से चिकन बनाया है, और ये जो तेरी दरानी है खाई जा रही है, खाई जा रही है, एक बारी भी नहीं बोला है इसने कि भैया चिकन अच्छा बना है नहीं बना, लगी पड़ी है। अब बता मैं क्या बोलूं, पूछो इससे कैसा बना। हाँ जी बहन जी, कुछ कहना चाहोगे? नहीं ये इसलिए नहीं कहना कि वीडियो बना रहे हैं, अच्छा मतलब हांडी का टेस्ट जबरदस्त आ रहा है, मजा ही आ रहा है, पक्का आ रहा है, पास हूँ मैं, तभी तो खाई जा रही, मैं बोली नहीं रही, रेडी रूडी लगा लूँ मैं ढाबा बोलो थोड़ा बड़ा बड़ा सोचो, लो बाइट लो पहले। तेरे पति ने तो खाया नहीं अभी तक, चलो ठीक है, इसने भी बोल दिया कहाँ गया ये रहा, इसने बोल दिया तो मतलब ठीक है पास है, ये बड़ी मुश्किल से ही बोलता बंदा ना, अब बताएगा ये। नहीं मैं तो खाली ग्रेवी टेस्ट कर रहा था। सही है पास है, चलो फिर ठीक है जी, पास है तेरा पति, पास है, ठीक है। ढाबा बोल सकते हैं, हमारे घर के दो बंदे ने पास कर दिया, मतलब आपके नॉनवेज पास है बिल्कुल जी, फिर तो आप ढाबा खोल ही लो, ढाबा खोलते हैं फिर, ठीक है जल्दी खोलते हैं, व्लॉगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा ढाबा खोलने का, ठीक है। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो, मेरे फूड व्लॉग समझ लो या जो भी समझ लो आप, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है जी, ओके बाय।